अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जिसे बनाने के लिए नहीं आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं किसी तंदूर की, हम लोग घर पर ही बनाएंगे। बहुत ही आसानी से ये टेस्टी तंदूरी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये तंदूरी चिकन बहुत ही जूसी है और बहुत ही टेस्टी है। चलिए बिना देर के रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, बट अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने हाफ के जी चिकन लिया था फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिएगा कि चिकन में ये लेग के साथ थाई की पीस लगी हो। मेरे पास नहीं था फ्रेंड्स, तो मैंने अभी नहीं लिया है, घर पे जो चिकन था मैं उसी का ही बना रही हूँ। तो बड़े बड़े पीस में आप इस तरीके से कट लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। इधर हमने 5 से 6 टेबल स्पून दही लिया हुआ फ्रेंड्स, दही को हम चम्मच से इस तरीके से फेंट लेते हैं ताकि जो कि मोटे मोटे जो वो होते हैं वो उसके ना हो और अच्छे से ये फेट जाए फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, तो अच्छे से फ्रेंड हमने इसको हाथ से ही चम्मच से फेंट लिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस मिलाएंगे, उससे आप देख लें। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर मिलाया है फ्रेंड्स, 1 टी स्पून से थोड़ा कम हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर मिलाया है, 1 टी स्पून हमने भुंजा कुटा हुआ जीरा मिलाया है, 1/2 टी स्पून फ्रेंड्स हमने गरम मसाला मिलाया है और 1 टी स्पून हमने डेगी मिर्च मिलाया है, 1.5 टी स्पून फ्रेंड्स हमने नमक मिलाया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, 2 से 3 पिंच हमने रेड फूड कलर लिया, तो रेड फूड कलर इसमें मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि ये ज़्यादातर लाल रंग का ही होता है, तो रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा लाल कलर का ये रहता है, तो इसलिए कलर हम थोड़ा ज़्यादा मिलाएंगे। 1.5 टी स्पून फ्रेंड्स हमने लाल जो नॉर्मल वाली मिर्च होती है ना, हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, बस वो वाली मिर्च हमको इसमें मिला लें। मिर्च और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो फ्रेंड्स। इधर हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी लिया था और इसको हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था फ्रेंड्स, इससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, और मतलब ये जो कसूरी मेथी है इसमें मतलब इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल लें, अगर आप पुनः पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट रेस्टोरेंट में आजकल कसूरी मेथी का बहुत यूज़ होता है, तो ज़्यादातर रेसिपीज़ में डाली जाती है, कुछ महंगी वहंगी भी नहीं है फ्रेंड्स। इसमें हमने थोड़ा सा भूल गए थे फ्रेंड्स, तो मैंने बाद में मिलाया है, तो 1 टेबल स्पून भर के आप लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें मिला लीजिएगा, तो वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था फ्रेंड्स, तो बाद में मैंने इसको मिला लिया था, और ये बहुत ही ज़रूरी है लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाना फ्रेंड्स। और चिकन को हमने 2 टेबल स्पून हमने विनेगर में डाल करके इसको थोड़ा सा भिगो लिया था, जिससे क्या होगा चिकन में थोड़ा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम इसी पानी से हमने निकाल करके मसाले में हमने ऐड कर दिया, तो चम्मच से फ्रेंड्स हम इस तरीके से मिला करके अभी अच्छे से मसाले को हम चिकन में कोट करेंगे, तो हाथ से ही ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स सारे मसालों को आप अच्छे से मिला लीजिएगा, लेकिन एक बार मैं फिर कह रही हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाना इसमें ज़रूरी है, तो 1 टेबल स्पून भर के आप मिला लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इस तरीके से हमने इसकी कोटिंग कर दी है, अब इसको हम हाथ से ही इसके अच्छे से इसको हम मिलाएंगे, ताकि जो मैरिनेशन को जो मसाला है ना वो सब जगह इसका अच्छे से मिल जाए, तो हर जगह इसको बढ़िया से आप मिला दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम मिला रहे हैं, बढ़िया से मसाले की कोटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि कोई भी जगह इसकी खाली नहीं रह जाए, गोश्त के हर हिस्से में अच्छे से मसाला पहुंच जाए, तो हाथ से ही बढ़िया रहता है, तो बढ़िया से आप इस तरीके से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसको मैरिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर तंदूरी चिकन में, इसलिए कि ये जो गोश्त है ना मैरिनेशन करने से थोड़ा सा गल भी जाता है फ्रेंड्स, और इसमें हम क्लिंग रैप से लगा करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखेंगे, अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो मिनिमम 1 घंटे के लिए आप ज़रूर रख दीजिएगा, तो फ्रिज में हम इसको रखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लिया है फ्रेंड्स, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब होगा, तो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप तेल यूज़ करते हो वही तेल ले लेना। अब फ्रेंड्स 1 घंटे के बाद हमने इस चिकन को निकाला है फ्रेंड्स, और इसको हाई फ्लेम पर एक एक पीस इस तरीके से अरेंज कर दिया, तो हाई फ्लेम पर आप करोगे ना तो थोड़ा सा ये चिकन बढ़िया से भून भी जाएगा, और मसालों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, तो अच्छे से जो पीसेस है इसको बढ़िया से अरेंज कर दीजिए फ्रेंड्स, और मसाले को आप अच्छे से इसमें बाद में डाल दीजिएगा, इसलिए कि मसाला बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और बस थोड़ा सा आप हाई फ्लेम पर इसे रखिएगा, सारे मसालों को फ्रेंड्स इस तरीके से आप निकाल लीजिए। 1 से 2 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप इनकी साइडों को चेंज कर दें, फ्लेम का ख़ास ध्यान रखिएगा कि इस वक्त फ्लेम हाई है, तो इस तरीके से आप अच्छे से इनके साइडों को चेंज कर दी, देखिए अभी से ही कितना बढ़िया कलर दिखने लगा, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा, तो अच्छे से आप इसके साइडों को चेंज करके फ्रेंड्स बस इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अगर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है,
ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे पीसों को आप अरेंज कर लें। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें जो मसाला मेरा बचा हुआ था ना, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके, बाउल में जो थोड़ा सा मसाला लगा था फ्रेंड्स, उसको हमने थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हमने खंगाल दिया है। अब इसमें किसी भी तरीके का पानी नहीं पड़ेगा, चिकन के अपने पानी में, और जो हमने दही डाला था ना, तो उससे फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया से गल जाएगा, इसमें पानी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। 7 से 8 मिनट फ्रेंड्स इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक करके आप इसे पकाइए। उसके बाद 8 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा खोल करके इसके साइडों को चेंज कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसा ना हो कि एक तरफ गल जाए दूसरी तरफ ना गल जाए, इसलिए इसको चेंज करना ज़रूरी है। तो एक एक पीस को बढ़िया से आप चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद फिर 7 से 8 मिनट आप इसको ज़रूर पकाइएगा। तकरीबन 20 मिनट के करीब ये फ्रेंड्स अच्छे से गल जाता है। इसका टाइम ज़्यादातर मैक्सिमम आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मुर्गे पर भी डिपेंड होता है फ्रेंड्स। कभी कभी मुर्गा बहुत जल्दी गल जाता है, कभी कभी ये थोड़ा देर में होता है। तो जो छोटे मुर्गे होते हैं ना, वो जल्दी गल जाते हैं, और बड़े वाले थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 बार आप इसे खोल करके चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि मुर्गे को ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए कभी हमें रोस्ट भी करना है। तो बस फ्रेंड्स, अच्छे से ये गल गया है। अब फ्लेम को हम हाई करके इसके सारे मसाले को हम सुखा लेते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब दूसरी तरफ हम आते हैं। इधर हमने एक नेट को इस तरीके से रखा है फ्रेंड्स, जाली है ये, और इसमें इस तरीके की सारी जो मुर्गे की हमारी पीसेस है चिकन की, सारी पीसों को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। तो ज़्यादा हमारा नहीं था, आधा किलोग्राम हम चिकन का ही बना रहे हैं, तो आसानी से छोटी वाली मैट पे आ जाएगा। इसके लिए बड़ी भी आती है, इसकी जो जाली बड़ी वाली आती है, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी, यदि बहरहाल मेरा इससे काम हो रहा है। तो जैसे ही आप इस पर रखोगे ना, तो इस पर बस खास ध्यान रखिएगा, इसलिए कि इसमें जो चिकन पीसेस में ऑयल भी हो और मसाले भी हैं, तो जैसे ही आप आँच पर रखोगे ना, तो वो जलने लगेगा। तो आप फ्लेम को कम और ज़्यादा करते हुए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से फ्लेम करके हल्का हल्का से इसे रोस्ट कर लीजिए। जल भी सकता है फ्रेंड्स, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, और इसकी जो थोड़ी थोड़ी देर पर इसकी साइडों को हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स, और फ्लेम को कम और ज़्यादा हम करते रहेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम इसे बढ़िया से देखेंगे कि इसमें अच्छे से इसका कलर बढ़िया से हो जाएगा। जैसे हम लोग मार्केट से मंगाते हैं तंदूरी चिकन, तो जो कलर रहता है बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। तो आप चाहें तो कोयले से भी इसको थोड़ी सी सेक करके आप कर सकते हो, उसका भी प्रोसेस थोड़ा अलग है, मैं आपको बता दूंगी। बहरहाल अभी आप इस तरीके से आप कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बस ध्यान दीजिएगा कि ये जलने ना पाए, तो फ्लेम को कम और ज़्यादा करते जाइएगा। बस इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने सारे चिकन को इसको इस तरीके से इसके जो साइडों को चेंज करते हुए हमने सारे चिकन को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अच्छे से फ्रेंड्स हमने इसको रोस्ट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। एक पैन लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून हमने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है, और फ्रेंड्स इसमें आप थोड़ा सा मक्खन ले लीजिए, बटर। इस तरीके से फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिएगा, इसलिए कि बटर फौरन जलने लगता है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली थी फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी बची थी, तो मैंने उसमें डाल दी। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दें, बट अगर डालोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसी में हमने सारे चिकन पीसेस को इसमें डाल करके अच्छे से हम उलट पलट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि इसमें अच्छे से बटर भी लग जाएगा और वो जलेगा भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। इसी तरीके से आप लोग बटर अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए, इतना महंगा बटर है फ्रेंड्स, कौन जलाए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा तंदूरी चिकन बनके तैयार हो गया, और लुक वाइज कितना बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़ा सा हम इसमें और फ्लेवर देंगे फ्रेंड्स। बस इस तरीके से आपने उलट पलट करके फ्रेंड्स आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फॉयल पेपर में इसको अरेंज कर रहे हैं। हम लोग जो मार्केट से लाते हैं फ्रेंड्स तंदूरी चिकन, तो उसी तरीके से फॉयल पेपर में वो लोग लपेट कर देते हैं। तो उसे लगता है कि काफ़ी कॉस्टली होगा फ्रेंड्स, लेकिन आपने देखा ज़्यादा कुछ नहीं लगा, और कितनी बढ़िया तरीके से हमने तंदूरी चिकन घर में ही बना ली। ना हमें ओवन की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें किसी तंदूर की, तो बढ़िया सा तंदूरी चिकन हमने घर पर ही बना दिया फ्रेंड्स। थोड़े से चाट मसाले से और नींबू से आप इसकी गार्निशिंग कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से हमने नींबू को हमने थोड़ा सा छिड़क दिया और चाट मसाला हमने ऊपर से डाल दिया। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया जूसी चिकन
तैयार है फ्रेंड्स। तो देखा आपने घर में किस तरीके से हमने बेहद ही आसान तरीके से आपको तंदूरी चिकन बनाना सिखाया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फॉइल में आप लपेट दीजिए और किसी अपने गेस्ट के सामने रखेंगे ना तो आपके बहुत ढेर सारी तारीफ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। तो आप बता दीजिएगा कि मैंने हमारे चैनल पर इसको देखा है। तो अगर आपको अच्छा लगे और आपका दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी रेसिपी भी शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हरी चटनी की भी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है। तो हरी चटनी मेयोनीज किसी भी चीज़ से आप इसको खा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी प्रोवाइड की है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ वीडियो के क्लिप्स हमने लगा दिया है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर विजिट करें और एक एक रेसिपीज़ को आप ट्राई करें। आपको चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो डिज़र्ट हो, हर तरीके की रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी बढ़िया सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।